परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने मानसिक रूप से जुड़ने वाली बीमारी द्विध्रुवीय विकार के बारे में जानकारी दिया है। बाइपोलर डिस्टर एक मानसिक रूप से जुड़ने वाली बीमारी जिसमें रोगी का मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक या तो बहुत उदास रहता है या फिर बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। इस लॉकडाउन समय में लोगों की मानसिकता पर चिंताओं से भरी होने के कारण चिंता व्यक्त किया है। लक्षण और कारणों के बारे में जानकारी दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है तेजी से बढ़ रही है बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या। कहीं आप भी तो महसूस नहीं कर रहे हैं यह लक्षण? कोरोना वायरस के चलते लगभग एक साल से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से काम कर रहे हैं। दिन में एक लंबा वक्त अकेले काम करते करते गुजारने के कारण अब इसके कई सारे दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के तेजी से सामने आ रहे मामले इसी का उदाहरण है। बाइपोलर डिसऑर्डर को गहरे अवसाद के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी मानसिक समस्या है जिसमें रोगी की अत्यधिक मूड स्विंग होने की शिकायत होती है। सरल भाषा में समझे तो रोगी एक पल खुशी जबकि अगले ही पल बहुत ज्यादा दुख का अनुभव कर सकता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा व्याकुलता का भी अनुभव हो सकता है। कहीं आप भी तो इस तरह के लक्षण महसूस नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाए। आइए इस स्पीच में हम जानते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं से परेशान लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि आखिर बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या होती क्या है, साथ ही सामान्य रूप से इसे कैसे पहचाना जा सकता है। इस बारे में मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि सामान्य रूप से हम इसे तनाव के रूप में देखते हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर इतना भी सामान्य नहीं है। लोगों से मिल ना पाने और एक कमरे में बंद रहकर लगातार काम करते रहने के कारण इस तरह के मामले फिलहाल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति ज्यादातर कामों में अपने रुचि खो देता है। कई बार वह खुद को असमर्थ महसूस करने लगता है, ऊर्जा की कमी का अनुभव होता है, हालांकि अगले ही पल उसे खुश भी देखा जा सकता है। ऐसे लक्षणों को दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। क्यों होती है यह समस्या? वैसे तो बाइपोलर डिसऑर्डर किन कारणों से होता है इस बारे में डॉक्टर को स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि मस्तिष्क में कुछ भौतिक बदलाव, रासायनिक असंतुलन एवं आनुवंशिकता को इस मानसिक बीमारी का कारक माना जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर से कैसे करें बचाव? विशेषज्ञों के मुताबिक समय रहते लक्षणों की पहचान कर डॉक्टरी सलाह लेकर इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जिन लोगों को इस प्रकार के लक्षणों का अनुभव हो रहा है उन्हें शराब और स्वयं से ही किसी दवा का सेवन से बचना चाहिए। बिना किसी डॉक्टर के सलाह के दवाओं का सेवन ना करें। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने कच्ची पनीर के स्वास्थ्य फायदे के बारे में जानकारी दिया है। सुबह के नाश्ता में कच्चा पनीर खाने से सेहतमंद फायदे के बारे बताया है। अच्छा ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट से करने से दिन भर ताजगी का अनुभव होता है। आज के समय में मोटापा बढ़ने की समस्या भी काफी आम हो गई है। मोटापा कम करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। वजन कम करने के लिए आप ब्रेकफास्ट में कच्चे पनीर को शामिल कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में कच्चे पनीर का सेवन करने से कुछ ही दिनों में वजन कम होने लगेगा। कच्चा पनीर स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। मोटापा कम करने के अलावा कच्चे पनीर के और भी कई फायदे होते हैं। आइए आज जानते हैं ब्रेकफास्ट में कच्चे पनीर का सेवन करने के फायदे। दिन भर रहेंगे एक्टिव। कच्चे पनीर में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ब्रेकफास्ट में कच्चे पनीर का सेवन करने से आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। स्वस्थ रहने और वजन कम करने के लिए रोजाना 150 से 200 ग्राम पनीर का सेवन करना चाहिए। बॉडी फैट नहीं बढ़ता है। कच्चे पनीर का सेवन करने से बॉडी फैट नहीं बढ़ता है। वजन घटाने वालों को कच्चे पनीर को डाइट में शामिल करना चाहिए। कच्चे पनीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी काफी कम होती है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में
पाया जाता है। कच्चे पनीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कच्चे पनीर का सेवन दांतों और हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। ब्रेकफास्ट में पनीर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। डायबिटीज में फायदेमंद, कच्चे पनीर का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है। डायबिटीज के मरीजों को ब्रेकफास्ट में कच्चे पनीर का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय पर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मानसिक विकास होता है, कच्चे पनीर का सेवन करने से मानसिक विकास में मदद मिलती है। बच्चों को नाश्ते में कच्चा पनीर खिलाना चाहिए। कच्चा पनीर स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर रहेगा नियंत्रण में, ब्रेकफास्ट में कच्चे पनीर का सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को डाइट में कच्चे पनीर का को शामिल करना चाहिए। हृदय के लिए फायदेमंद, कच्चे पनीर का सेवन हृदय के लिए भी फायदेमंद रहता है। कच्चे पनीर का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण में रहता है। हृदय के मरीजों को डाइट में कच्चे पनीर का शामिल करना चाहिए। यह स्पीच आपकी जानकारी साझा करने के लिए किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।